IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीते कुछ समय में मध्य प्रदेश के लोगों में डायमंड ज्वेलरी को लेकर रुझान काफी तेजी से बढ़ा है। ग्राहकों को इसकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री के जाने माने नाम किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने मध्य प्रदेश में भव्य प्रवेश किया है। पहला एक्सक्लूसिव शोरूम शहनाई रेजिडेंसी होटल अमर विलास के सामने AB रोड इंदौर पर खोला गया, जिसका भव्य उद्घाटन घनश्याम ढोलकिया फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हरि कृष्णा ग्रुप, पराग शाह डायरेक्टर किसना डायमंड ज्वेलरी, इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं इब्जा नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह भारत में किसना का 32वां शोरूम है। उद्घाटन को विशिष्ट बनाते हुए मध्य प्रदेश के टॉप स्टूडेंट्स को डायमंड्स ऑफ MP स्कॉलरशिप के माध्यम से सम्मानित किया गया। यह स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को प्रदान की गई जिन्होंने वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऐसे में इस तरह की पहल करने वाला यह भारत का पहला शोरूम बन गया है। किसना की समाज को वापस देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप लॉन्च इवेंट के दौरान वृक्षारोपण अभियान का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही ऑफर के रूप में किसना डायमंड पर 20% तक की छूट और गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 25% तक की छूट की पेशकश कर रहा है। उद्घाटन के बारे में टिप्पणी करते हुए श्री घनश्याम ढोलकिया फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हरि कृष्णा ग्रुप ने कहा, हम इंदौर में अपना पहला एक्सक्लूसिव शोरूम लॉन्च करते हुए बेहद उत्साहित हैं। यह विस्तार हमारे हर घर किसना विजन के अनुरूप है, जहां हमारा लक्ष्य खुद को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ज्वेलरी ब्रांड के रूप में स्थापित करना है, ताकि हम प्रत्येक महिला के डायमंड ज्वेलरी के सपने को साकार कर सकें। सर, गोल्ड और डायमंड जब बात आती है तो मध्यम वर्गीय और आम आदमी के जहन में एक महंगाई और काफी तकलीफ होती है, क्या कहेंगे इस आपने जो बताया एकदम बराबर बताया, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस तरह से हम देखें तो इंडिया का ग्रोथ भी बहुत है। आज हम देखें इंडिया में तकरीबन 65% ग्रोइंग क्लास है और तेज़ी से बढ़ रहा है और हर जो चीज़ है वेस्टर्नाइज यहाँ पे आ रही है। और आज के जो डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर आप देख रहे हो कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में फैशन आ रही है, वही इंडिया में आना चाहती है। इसलिए हमने किसना की जो रेंज है केवल और केवल 4,900 से शुरू की है और उसके साथ एक वो भी रखा है कि किसना की कंज्यूमर कभी भी वो पीस वापस देना है तो बिना मजदूरी काटे और कुछ नहीं कटता है, केवल और केवल 10% कटता है तो उसको एकदम क्लियर है, वो भी आज के भाव से। तो माना उसने अभी जब अंगूठी खरीदी होगी वो 15,000 की थी, आज उसका भाव 25,000 हो गया, तो 25,000 के ऊपर केवल 10% काट के किसना दे रहा है। उसमें नथिंग, नो हिडन चार्जेस, कुछ हिडन नहीं है, मजदूरी कटेगी, गोल्ड का ये कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप बता रहे हैं मध्यम वर्गी, उसके लिए किसना बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहा है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश वाले को बधाई देता हूँ, इंदौर वाले को बधाई देता हूँ कि पूरे इंडिया में जो मध्य प्रदेश है वो सेंट्रल में है, बहुत सारा स्टेट के साथ नाता है। हरि कृष्णा ग्रुप का 32 साल हुआ और आज 32वां शोरूम का इंदौर में इनोग्रेशन हुआ तो बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है। इंदौर वासी बहुत बढ़िया लोग हैं, जो काम करते हो दिल से साथ करते। हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर सराफ फैमिली संजय भाई, उसके परिवार को बधाई देता हूँ कि किसना ब्रांड पे विश्वास रख के किसना की फ्रेंचाइज स्टार्ट हुआ। हमारा तो बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक किसना का फ्रेंचाइज होना चाहिए, तो हम तो ढूंढ रहे 500 संजय भाई जैसा हमारे साफ फैमिली मिले जिसका गुडविल नाम होवे और हमारे साथ जुड़ के हम और दोनों मिलके हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है वो सभी का चेहरे में खुशियाँ देखना चाहते हैं। तो किसना का जो बहुत सारा अलग अलग हरिकृष्ण ग्रुप का आप लोग ने सुना होगा, लेकिन हम समाज को लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। आज की तारीख में हरिकृष्णा ग्रुप में 9,000 लोग हैं, सभी को खाना प्रोवाइड करते हैं और किसना ब्रांड का जो भी कंज्यूमर पूरे इंडिया में जहाँ से भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके नाम से पौधे डालेंगे
और एक निडी आदमी को खाना खिलाएंगे, इंडियन कंज्यूमर की कैपेसिटी बहुत है। उसमें हमारे इंदौर, हम तो वैसे सूरत और गुजरात से है, पहले सूरत का नाम आते थे क्लीन में, आज इंदौर का आ गया, तो इंदौर का पावर बहुत बड़ा है और डायमंड ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। ये तो हमारी शुरुआत है, लेकिन हमारा गोल है कि मध्य प्रदेश में 31 डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से, तो 31 फ्रेंचाइज करने का है और आप सभी का सपोर्ट से जरूर वो पूरा होगा। सभी कंज्यूमर को कहने का है कि डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का है तो एक बार आप कृष्णा का स्टोर में ज़रूर विजिट करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, क्योंकि कृष्णा की बहुत सारी पॉलिसी में सबसे बेहतर है डिज़ाइन, कृष्णा की डिज़ाइन कंज्यूमर को पसंद है। तो कन्याकुमारी से लेके पूरे इंडिया में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी 3500 शोरूम में अवेलेबल है और 32 का ये शोरूम आज इनोग्रेशन हो रहा है, कल हमारा ग्वालियर में इनोग्रेशन है, तो स्टेप बाय स्टेप इंडिया आगे बढ़ रहे, तो एक बार जरूर कृष्णा की डिज़ाइन आप सभी लोग देखिए। डायमंड का इंडिया में बहुत ग्रोथ हुआ है, पिछले साल में देखें तो 15-20% का ग्रोथ हुआ है, पर ये तो छोटा ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ होने का स्कोप है। आज की तारीख में इंडिया में खाली 3% लोग डायमंड यूज़ करते हैं, 97% खाली है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट जो US है, जहाँ पे डायमंड का 40% यूज़ है और 6% पॉपुलेशन है, और इंडिया में आज की तारीख में 12% यूज़ है और 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो इंडिया में डायमंड ज्वेलरी तो बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गया, कृष्णा की भी डायमंड ज्वेलरी कोई भी कंज्यूमर खरीदेगा उसको 90% कभी भी पैसा वापस मिलेगा और 95% में एक्सचेंज मिलेगा, तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए कृष्णा ब्रांड गौर करिए और डायमंड प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूमर पसंद कर रहे हैं। नहीं, पास में आपने बोला वो सही है कि कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ, लेकिन आज की तारीख में जो कृष्णा जैसी जो ब्रांड है, जो ट्रस्ट और विश्वास के साथ कंज्यूमर खरीदते हैं, तो उसको कुछ देखने का नहीं है, वहाँ पे सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, BSA गोल्ड मार्क के साथ गोल्ड है, बायबैक सिस्टम है, और पूरे इंडिया में कहाँ भी कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे सेम प्राइस है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी वाले कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसको कोई भी चीज़ का उसको देखने का नहीं है, और वो ट्रांसपेरेंसी अभी डायमंड ज्वेलरी में इंडिया में आ चुकी है। कृष्णा ने 2005 से शुरुआत किया है, आज बाकी सभी ब्रांड कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे वो जरूर ग्रोथ करेंगे। इंदौर में कृष्णा ग्रुप का डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम खुला है। साहूजी भाई ढोलकिया जो सूरत के बड़े डायमंड व्यापारी हैं, लेकिन एक व्यापारी होने के साथ साथ समाज सेवा और लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा जो उनका है वो पूरे विश्व में लोग जानते हैं। ऐसा ब्रांड इंदौर में आया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि बिज़नेस के साथ इंदौर के जनभागीदारी के मॉडल में भी जैसा सहयोग सूरत में है इंदौर में भी मिलेगा। सर, दिव्यांग वैकेंसी बढ़ी है क्या?